अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो आज एक सरियल सा एक इवेंट हुआ मेरे साथ, जो मैं आप लोगों से एक्सपीरियंस हुआ जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ, बिकॉज आई यू नो वाज गॉट रियली शुक बिकॉज ऑफ इट। आज मैं बाहर घर से निकल रही थी विद मॉम, वी हैड टू गो शॉप समथिंग। तो निकलते हुए पता नहीं कोई मसला हुआ, कोई गार्डन की घास बड़ी हुई हुई या कुछ, तो मैंने ऐसे कहा क्या मुसीबत है, व्हाई एम आई यू नो लाइक आई विश आई वाज लिविंग समवेयर, कुछ ऐसी मैंने कोई बहुत अनग्रेटफुल सी बात की अपने घर के बारे में। तो डॉलमेन मॉल के रास्ते में एक ब्रिज के नीचे से हम गुजरे, पुल के नीचे से, वहाँ पे जो साइड वॉक होती है वहाँ पे कुछ गरीब थे जो अपने बिस्तर लगा रहे थे सोने के लिए। एक सीमेंटेड साइड वॉक पे वो एक पतली सी कोई चादर डाल रहे थे सोने के लिए। अल्लाह आपको कैसे मतलब अपने वो देता है ना, साइंस देता है, कि मैंने वो देखा और मुझे एकदम से हिट किया कि ये लोग भी तो हैं, ये मेरे से कोई कमतर तो नहीं है, मैं इनसे कोई एक बेहतर इंसान नहीं हूँ, अल्लाह ने हम सबको एक जैसा बनाया है, और ये एक सीमेंट के साइडवॉक पे पतली सी चादर पे सोएगा ये बंदा रात को। एक पूरी फैमिली थी जो इस तरह सो रही थी, और मैं यहाँ इतने खूबसूरत घर में everything that I need and want and everything more, और मैं इतनी ungrateful बात करी हूँ कि काश मैं कहीं और रह रही होती। तो मुझे एकदम से हिट हुआ है कि हमें अल्लाह का हर हर चीज़ का शुक्र करना चाहिए, छोटी सी बड़ी सी बड़ी चीज़ तक हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, because what if like we have things that people don't, और अपना you know to realize to be